बड़े ओहदों पर बैठे लोग छोटेपन पर उतर आए। आपस में लड़ाने वालों ने ख्वाजा सिराओं का रूप धार लिया। जानबूझकर नफरत का जहर खोला जा रहा है। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर ने ख्वाजा सिराओं को बेनकाब करने का मुतालबा कर दिया। अपने एक कॉलम में हामिद मीर ने लिखा कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग छोटेपन पर उतर आए तो फिर वो कुछ होता है जो इस्लामाबाद में हुआ। मुजम्मत करने वाले वाक्य से खौफ सता है। हामिद मीर ने कहा, राउफ हसन का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2018 में ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी गई, फिर नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया, यही नहीं एहसन इकबाल पर गोली भी चली। राउफ हसन पर हमले ने भी स्टेक होल्डर को परेशान कर दिया और वो एक दूसरे की तरफ सवाल भरी निगाहों से देख रहे हैं। सोचने की बात ये है कि राउफ हसन पर हमले का फायदा किसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी जमातों को इदारों से लड़ाकर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में हैं। सिर्फ इतना पता कर लें कि फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट से कौन खुश है और कौन नाखुश। ये वो लोग हैं जो कभी सियासतदानों के चेहरे पर स्याही फेंकते हैं, कभी उनके चेहरे पर ब्लेड मारते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं और फिर बच निकलते हैं। अब उन्होंने ख्वाजा सिराओं का रूप धार लिया। उन्हें बेनकाब किए बगैर हमारी जमहूरियत आवाम के लिए बेफैज रहेगी।